अक्षय तृतीया के इस ऑस्पिशियस ओकेशन पे सारे नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा दूर रखकर चलिए बनाते हैं हम सबके फेवरेट सीजनल फ्रूट आम से बना आम्रखंड और पूरी। हाय फ्रेंड्स, दिस इज नेहा, वेलकम टू डेजर्ट मसाला, योर प्लेस टू लर्न अमेजिंग रेसिपीज। सो लेट्स गेट रेडी। तो सबसे पहले हम आम्रखंड बना लेते हैं। आम्रखंड के लिए हमें दही में से पूरा पानी निकाल के इसका चक्का बना लेना है। तो चक्का बनाने के लिए एक बाउल के ऊपर छन्नी रख देंगे और इस तरह एक सूती कपड़ा या मुस्लिन क्लॉथ इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसमें दही डालेंगे और इस दही में से पूरा पानी निकाल लेंगे। यहाँ मैंने 1 लीटर दही लिया है। मैं यहाँ रेडीमेड दही यूज कर रही हूँ जो टेस्ट में ज्यादा खट्टा नहीं है। आप चाहे तो घर पे जमाया हुआ दही भी यूज कर सकते हैं, तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए ये ज्यादा खट्टा ना हो। अब इसे चारों साइड से ऐसे पकड़ के इसकी पोतली बनाएंगे और इसे अच्छे से स्क्वीज करेंगे ताकि इसमें का पूरा पानी निकल जाए। तो इसे अच्छे से निचोड़ने के बाद इसे किसी हेवी ऑब्जेक्ट से दबा के रख देंगे। मिनिमम 1 घंटे के लिए हमें इसे रखना है। जब तक ये सेट हो रहा है तब तक हम आम्रखंड के बाकी प्रिपरेशंस कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मैंगो प्यूरी बनाने। इसके लिए यहाँ एक ब्लेंडर जार में इन मैंगो पीसेस को डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 मैंगोस को ऐसे चॉप कर लिया है। फिर इसमें जाएगी 1 कटोरी शक्कर। फ्रेंड्स, शुगर की क्वांटिटी आप आम के स्वीटनेस के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी स्मूथ मैंगो प्यूरी बनके रेडी है। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। 1.5 घंटे बाद हमारा चक्का अच्छे से बन गया है। अब देख सकते हैं इसमें का पूरा पानी निकल गया। इस पानी से आप आटा गूंथ सकते हैं या फिर दाल में भी इसे यूज कर सकते हैं। अब इसे कपड़े में से निकाल के एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट चक्का बन के रेडी है। आम्रखंड हो या फिर श्रीखंड, उसमें इसी तरह का ड्राई चक्का यूज होता है। इसीलिए दही को अच्छे से स्क्वीज करके मिनिमम 1.5 घंटे के लिए ड्रेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें डालेंगे अपनी बनाई हुई मैंगो प्यूरी। फिर इसमें जाएगा केसर का दूध। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून गरम दूध में कुछ केसर के स्ट्रैंड्स को 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। इसे डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर इसे डालने से आम्रखंड में कलर बहुत अच्छा आएगा। इसे और टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे चॉप बादाम और पिस्ता। आप यहाँ चाहे तो काजू के भी छोटे टुकड़े डाल सकते हैं और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे स्पैचुला या फिर हैंड विस्कर से ही मिक्स करना है। ध्यान रखिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक विस्कर का यूज नहीं करना है। 2 मिनट इसे अच्छे से विस्क करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें के सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं और इसका टेक्सचर भी क्रीमी हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा यम्मी आम्रखंड बनके रेडी है। अब इसे 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने रख देंगे। तो जब तक अपना आम्रखंड ठंडा हो रहा है चलिए फटाफट पूरियां बना लेते हैं। पूरियां बनाने के लिए 1 प्लेट में 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। फिर जाएगा 1/2 टीस्पून नमक, 2 चुटकी शक्कर। शक्कर डालने से अपने पूरियों को फ्राई करते वक्त परफेक्ट ब्राउन कलर आएगा। अब जाएगा 1 टीस्पून अजवाइन और लास्ट में 1 टीस्पून तेल। हमें यहाँ गरम तेल नहीं डालना है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। इसे थोड़ा मिला लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सख्त आटा गूंथ लेंगे। हमें इस आटे को चपाती के आटे से थोड़ा टाइट गूंथना है। तो ये देखिए हमारा पूरी का सख्त आटा गूंथ के रेडी है। अब इसे हम हल्का सा तेल लगाएंगे
और 10 मिनट के लिए ढक के सेट होने रख देंगे। 10 मिनट बाद अपना आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हाथ में थोड़ा तेल लगा के इसकी नींबू जितनी लोई बना लेंगे। फ्रेंड्स, पूरियां बनाने के लिए एक बात ध्यान में रखिए, हमें सबसे पहले लोई को हाथ में ही रख के चपटा कर लेना है और इसकी एजेस ऐसी पतली कर लेनी है। और फिर इसे बेल लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं पूरियां बेलने के लिए आटे की जगह तेल का यूज कर रही हूँ। ये इसलिए ताकि पूरियां फ्राई करते वक्त हमारा तेल खराब ना हो। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी पूरी अब अच्छे से बेल के रेडी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सिमिलरली बाकी पूरियों को भी बेल लेंगे। ध्यान रखिए, हमें बेली हुई पूरी को ढक के रखना है फ्राई होने तक, नहीं तो ये सूख जाएगी। फ्रेंड्स, पूरियों का साइज रोटियों के कंपैरिजन में छोटा होने के कारण पूरियां अक्सर गोल नहीं बन पाती, पर अगर आप मेरी इस बताई हुई टेक्निक से पूरियां बनाओगे तो आपकी पूरियां हमेशा परफेक्टली गोल बनेगी। यहाँ हमें पूरियों की थिकनेस रोटी जितनी रखनी है, ना ज्यादा पतली ना ज्यादा मोटी। अब लास्ट में चलते पूरियों को तलने की प्रोसेस में। तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा एक टुकड़ा डाल के देखेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल अच्छे से गर्म है। अब हम इसमें एक एक करके अपनी पूरियां डालते जाएंगे। ऑयल में पूरी डालने के बाद ये थोड़ी ऊपर आएगी और जब ये हाफ वे आएगी तब हमें इसे थोड़ा दबा लेना है ताकि ये और फूले। और जब ये फूल जाए तब इसे पलट के और थोड़ा फ्राई कर लेंगे। यहाँ मेरी कढ़ाई छोटी है इसलिए मैं एक टाइम पे एक ही पूरी फ्राई कर रही हूँ, पर अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप इसमें 2-3 पूरियां एक बैच में डाल सकते हैं। और फिर इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह मैं आपको और एक पूरी फ्राई करके दिखाती हूँ। पहले पूरी को ऑयल में डाला, फिर इसे ऊपर आने पर हल्का दबा लिया और फिर अलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करके इसे निकाल लिया। फ्रेंड्स, पूरियां फ्राई करते वक्त ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम हमें हाई ही रखनी है। पर अगर आपको लगे कि पूरियां थोड़ी जल रही है तब आप गैस की फ्लेम 2 मिनट के लिए ऑफ करके रख सकते हैं। सिमिलरली मैं बाकी पूरियां भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी सारी पूरियां बनके रेडी है। चलिए इसे अपने ठंडे ठंडे अमरखंड के साथ सर्व करते हैं। और अगर आपको ये टेस्टी कॉम्बो रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।